यूपी के हरदोई में इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अब सड़क पर चलने से घबरा रहे हैं। हरदोई जिला प्रशासन के दशहरे मेले में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां अधिकारियों के सामने दो सांडों ने जमकर हंगामा किया। सरेआम सड़क पर हो रही बुलफाइट की ये तस्वीरें हरदोई की हैं। यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित दशहरे मेले में ये दो सांड आपस में भिड़ गए और जंग भी ऐसी कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। पहले तो लोगों ने सांडों की लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की, कोई डंडा लेकर आया तो कोई दूर से ही उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर ढोल की धुन पर ये जंग लड़ी गई। आप भी सुनिए। दरअसल इस मेले में प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद थे। अभी माहौल का लुत्फ लिया ही जा रहा था कि शोर मचा, देखा तो दो सांड आपस में भिड़ गए। आखिरकार ये जंग तब खत्म हुई जब एक सांड ने हार मान ली और वो वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो हैं, संग्राम करते हैं, उसको प्रकृति की चीजें, उसे तो हम रोक नहीं सकते। पकड़कर गौवंश को जो है गौशाला भेजना, उस पर पालिका प्रतिनिधि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा गोवंश को गौशालाओं में रखने का फरमान सुनाया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं, जिससे प्रशासन के इंतजामों की पोल खुल जाती है। जब कभी किसी बड़े नेता की रैली होती तब इन जानवरों को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम दिनों में यही हाल रहता है। प्रशांत पाठक, न्यूज़ स्टेट, हरदोई।